हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर वाव में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अमेजिंग वीडियो। आज हम बात करेंगे टाटा कर्व की, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये एक कंसेप्ट एसयूवी है और जब भी ये लॉन्च होगी तो आपको इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट टाटा बहुत रेयर ही चेंजेस करता है, जैसे कि आप सबने देखा है अल्ट्रोज और हैरियर में। फिर भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं इंडियन मार्केट एंड रोड्स के लिए। टाटा के पास सभी कैटेगरी की एसयूवी है, टाटा पंच से लेकर टाटा सफारी तक। बस एक ही एसयूवी टाटा के पास नहीं है जो कि किया सेल्टोस और हुंडई की क्रेटा को टक्कर दे। हो सकता है टाटा इस कंसेप्ट एसयूवी को उसी कैटेगरी में लॉन्च करे, वो तो बाद की बात है। चलो अभी बात करते हैं कर्व के बारे में। इस गाड़ी को एरो ब्लेड डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है और स्ट्रॉन्ग एरोडायनेमिक थीम इस गाड़ी की रगों में दौड़ रही है। स्लिम अपर डीआरएल और ट्रायंगुलर हेडलैम्प डिजाइन जो है इसे एक सिग्नेचर लुक देता है। और बात करें ORVM की तो एक बड़ा ही स्लीक डिजाइन दिया गया है। इंटीरियर भी इसका काफी जबरदस्त दिया गया है, विद टू फ्लोटिंग डिस्प्ले, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए दी गई है, दूसरी ड्राइवर की यूज के लिए दी गई है। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग दिया गया है। फ्रंट में इसमें पूरी फुल लेंथ की DRS दी गई है जो की बोनट पे जाके कर्व होती है, और ट्राइंगुलर हेडलैम्प दी गई है। रियर की बात करें तो इसमें फुल टेल लैम्प दी गई है, सेम जैसे की आगे DRS दी गई है वैसे फुल लेंथ की टेल लैम्प। ओवरऑल लुक गाड़ी की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है दोस्तों, और इसे एक कूपे शेप दिया गया है।